कराची लियारी में रोशन रास्ता वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री कोचिंग सेंटर में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कंपटीशन रखा गया, जिसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चों को शील्ड दी गई। रोशन रास्ता वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रशीद आजाद, राहिल मेमन और मेंबर्स ने एटीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लियारी के बच्चों को तालीम और सेहत की अशद ज़रूरत है, इसलिए रोशन रास्ता वेलफेयर सोसाइटी तालीम और सेहत पर काम कर रही है। मज़ीद देखते हैं नुमान मलिक की रिपोर्ट। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एटीवी वालों का और आपकी टीम का जो यहाँ आए, हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। रोशन रास्ता का बेसिक मकसद जो था वो ह्यूमन राइट्स और हेल्थ और एजुकेशन पे काम था। तो ह्यूमन राइट्स के जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे तो वो तो हम अखबारात के ज़रिए हल कर लेते थे। फिर जब हमें नीड पड़ी कि अब मसाइल थोड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर एक रजिस्टर वेलफेयर होनी चाहिए ताकि लोगों के जो बड़े मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। तो इसके लिए फिर हमने ये रोशन रास्ता वेलफेयर को रजिस्टर करवाया, और जिसके तहत अभी हम हेल्प पे ये हमारी क्लिनिक है जहाँ आप आए हुए हैं, रोशन रास्ता वेलफेयर क्लिनिक है, जिसकी ओपीडी हमने 50 रुपीज़ रखी हुई है। और डॉक्टर साहब हैं, एमर डॉक्टर साहब हैं, मासूमिन हॉस्पिटल में होते हैं, और जो हमारे पास जो दवाइयां हैं, मेडिसन हैं, वो अतीक मीर साहब की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। फिर ऐसे ही जैसे एजुकेशन की हमने बात की, तो एजुकेशन सामने ही हमारा इधर है, वहाँ चलते हैं, हम आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। तो मॉर्निंग में छोटी बच्चियों के लिए मदरसा है, इवनिंग में बड़े बच्चों के लिए मदरसा है, फिर नाइट में मैं खुद वॉलंटियर ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं खुद एमफिल का स्टूडेंट हूँ, और फिर हमने टीचर भी रखा हुआ है, तो वो फिर हम दो टीचर हैं, और छः से आठ एक शिफ्ट है, और आठ से दूसरी दस तक दूसरी शिफ्ट है। तो अभी आज कंपटीशन भी हम चलते हैं वहाँ, आपको दिखाते हैं जी। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो है वो रखा गया है, हमने बच्चों को मतलब यूँ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, जिसमें शुरू में बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरते थे, वो डरे हुए सहमे हुए थे, इसके बाद एक्टिविटी करवाते गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनमें एक कंपटीशन रखवाएँ कि आपने जो है वो आप जो जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहो उसके बाद आपको उस चीज़ का अवार्ड वगैरह मिलेगा। तो बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, जिसमें हमने ड्राइंग रखवाया, राइटिंग रखवाई, और 40 मंसूब दुआएं वगैरह रखवाई ना। तो आज जो है वो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, इसके बाद आज हमने उसको अवार्ड सेरेमनी रखी है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको हमने अवार्ड दिए हैं, और इसके अलावा कुछ बच्चे तो सेलेक्ट हो गए उनको हमने अवार्ड दे दिया, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मतलब बेस्ट पार्टिसिपेशन अवार्ड दिया, जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी, तो हम नहीं चाह रहे थे कि उनको ऐसे ही भेजे, तो हमने उनके लिए भी कुछ अवार्ड्स वगैरह रखे। ये विलादत पे बुरा जानता था मैं, उस वक्त मेरे घर में पैदा हुई थी एक फूल सी बच्ची, लेकिन मैंने उसे अपनी बेइज्जती समझी, कांटे पे बिठाया था न सीने से लगाया, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी, नफरत मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। मैं सोचती कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله مجھے کوچنگ کا ماحول بڑا اچھا لگا سر رشید سر ہمیں اچھا پڑھاتے اور یہ علی سر نے ہمیں کوپریشن اس لیے کروایا تاکہ ہمیں تھوڑا ہمت آ جائے تاکہ ہم آگے کچھ کر سکیں ہم پڑھائی کر کے عالم الباجی بننا چاہتے ہیں سر سیف کا जिन्होंने आपको यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़ करवाई, और ये पूरा आइडिया जो था सर सेफ का था, कंपटीशन तक का आइडिया, पूरी चीज़ों को मैनेज करना, उसके बाद गिफ्ट को देखना, सारी चीज़ें सर सेफ ने और रशीद भाई ने की थी। तो इसमें मतलब मेरा कहीं भी इनपुट नहीं था, मेरा इनपुट कहाँ तक था, जहाँ तक कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके बाद में हो गया तो बिज़ी, तो उसमें सारी चीज़ों में रशीद भाई का और सर सेफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो एक बार दोनों के लिए ताकि नमा साहब का, रजीब साहब का जो यहाँ आए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया सर सेफ का, और आप सर अली कह रहे थे ये सर सेफ हैं, और वो सर शाहजहाँ हैं, और सर सेफ अली का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो इवेंट है ना बेटा, रोशन रास्ता की तरफ से, रोशन रास्ता एक इदारा है जिसके तरफ सामने क्लिनिक भी है और ये कोचिंग सेंटर भी है, बट जो ये सर हैं ये इनका इंडिपेंडेंट मतलब ये प्रोग्राम है जो आपके लिए रखा गया है, इसमें रोशन रास्ता का इनके साथ कोई ताउन नहीं रहा है, ये इंडिपेंडेंट सर की तरफ से काविश है कि सर चाह रहे हैं कुछ अचीवमेंट हो बच्चों के अंदर।